हेलो एवरीवन, राधे कृष्ण आप सभी को राधे राधे। आज है गज महालक्ष्मी पूजन के उद्यापन। तो दोस्तों, यहाँ पे माता लक्ष्मी के उद्यापन के लिए मैंने भी अपना 16 श्रृंगार किया, लाल सूट पहना है मैंने। तो यहाँ पे मैंने आज साड़ी नहीं पहनी है, सूट पहन के ही मैं पूजा करूँगी, जिसमें मैंने 16 श्रृंगार कर लिए। और 16 श्रृंगारों में यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण होता है महावर लगाना। तो महावर महिलाओं को ज़रूर लगाना चाहिए, शादीशुदा महिलाओं को। तो यहाँ पे एड़ियों पे और नाखूनों पे इस तरीके से महावर को लगाया जाता है। पूजा की मैंने सारी तैयारी कर ली है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने रंगोली बनाई थी, चौकी बिछा के, लाल कपड़ा बिछा के। यहाँ पे गज माता लक्ष्मी की हमने तस्वीर लगाई है, गज को स्थापित किया है, गौरी गणेश जी को स्थापित किया है, साथ में कलश की हमने स्थापना की है। तो सारी विधि पूर्वक हम पूजा करेंगे। सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करते हैं। गज महालक्ष्मी की आज का दिन है, तो यहाँ पे गज की जरूर पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी को हम लाल फूल अर्पण करते हैं 16 क्रम में। तो यहाँ पे हर चीज़ 16 क्रम में ही दी जाती है आज के दिन। और यहाँ पे फिर मैंने वरुण देवता विष्णु भगवान जी का ध्यान करते हुए यहाँ पे मैंने कलश की भी पूजा की है। तो कलश को भी हम जनेऊ पहनाएंगे। जैसे हम गणेश जी को जनेऊ पहनाते हैं, यहाँ पे विष्णु भगवान जी का ध्यान करके हम पीले रंग का जनेऊ कलश पे पहनाते हैं। फिर यहाँ पे हम गणेश जी को पहनाते हैं सफ़ेद रंग का जनेऊ। तो इस तरीके से हम ये जनेऊ ज़रूर पहनाते हैं पूजा में। और ये पूजा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैसे हम दिवाली के दिन लक्ष्मी माता का आगमन करते हैं, उनकी पूजा विधि करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आज के दिन हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं गज के साथ। तो यहाँ पे देखिए, श्री यंत्र है मेरे पास स्फटिक के। यहाँ पे मैं इनका 16 बारी स्नान करा रही हूँ शुद्ध जल से। तो चांदी की कटोरी में मैंने श्री यंत्र स्फटिक के रखे हैं। तो लाल कपड़ा बिछा के यहाँ पे मैंने श्री यंत्र को स्थापित किया। अब मैं शुद्ध जल से करने के बाद मैं कच्चे दूध से स्नान कराऊंगी, फिर उसके बाद मैं दही से स्नान कराऊंगी। तो ये 16 कर्मों में हम 16 बारी करते हैं। तो गज माता लक्ष्मी की पूजा जब भी हम करते हैं तो इसी नियम के साथ करते हैं। और इसमें बहुत ही ज़्यादा विधि विधान होता है, क्योंकि ये गज माता लक्ष्मी की 16 दिनों की हमने पूजा करी है। 16 दिन तक हम ये पूजा करते हैं। तो अगर हमने 16 दिन तक ये पूजा करी है, तो हमें माता रानी का उद्यापन जरूर करना चाहिए आज के दिन। मैंने अपने चैनल पे आप लोगों के साथ गज महालक्ष्मी पूजन की विधि शेयर कर रखी है, उद्यापन कैसे करते हैं पूरी जानकारी आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी है। और आज है गज महालक्ष्मी का उद्यापन का दिन। तो ये पितृपक्ष के अश्वन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पड़ता है, इसलिए यहाँ आज के दिन हम यहाँ पे उद्यापन करते हैं। देखिए, मैंने अब स्नान करा लिया है स्फटिक के श्रीयंत्र को। अब हम 16 कर्मों में 16 फूलों को अर्पण करते श्री का ध्यान करते हुए। तो उससे पहले हम अंग पोषण करेंगे, क्योंकि हमने अभी कच्चे दूध से दही से स्नान कराया। सूर्य जल से स्नान कराने के बाद हम स्फटिक का अंग पोषण करके फिर हम इनको आभूषण पहनाते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं। तो देखिए, श्रृंगार के रूप में मैंने कमल गट्टे की माला ली है। आप कमल गट्टे की माला स्फटिक की माला को ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने इनको आसन दिया, उसके बाद हमने 16 दुर्वा गणेश जी को अर्पण किया, फिर 16 दुर्वा हम गज को अर्पण करेंगे। और ये है मेरे पास 16 धागों की गांठे। तो 16 तार की मैंने धागों की गांठे प्रथम दिन बनाई थी, जिसकी पूजा हम हर रोज करते थे। और आज है विशेष पूजा। जो हमने 16 गांठें लगाई होती है, इस पे हम रोज़ दूर्वा और धान कुछ भी अनाज को अर्पण करते। तो यहाँ पे एक एक करके हम आज के दिन, यानी कि जब उद्यापन करते, तो यहाँ पे आज के दिन भी हम 16 दूर्वा और 16 धान अर्पण करते हैं 16 घाटों की डोरे पे। हम यहाँ पे डोरे पे भी धूप दीप दिखाते हैं। और अब मैं यहाँ पे माता रानी लक्ष्मी को अर्पण कर रही हूँ गज के साथ कुछ विशेष फूल। तो यहाँ पे आंकड़े के फूल अर्पण किए जाते हैं, आंकड़े के फूल की माला अर्पण कर सकते हैं, नहीं तो कुछ ऐसे इस तरीके से 16 फूल अर्पण कर सकते हैं इत्र लगा के। तो माता रानी को मैंने इत्र लगा के आंकड़े के फूल अर्पण किए। अब यहाँ पे स्फटिक का श्रीयंत्र पे हमने अभिषेक किया था, अब हम इनका श्रृंगार करेंगे। तो श्रृंगार में सबसे पहले सिंदूर रोली कुमकुम लगाते हैं, अक्षत अर्पण करते हैं, हल्दी लगाते हैं, फिर हम इनकी विधिपूर्वक अभिषेक करते हैं। तो अभिषेक देखिए मैं यहाँ पर कैसे करूँगी, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले वस्त्र रूपी कलावा पहनाऊँगी। तो अगर आपने यहाँ पर चुनरी ले रखी है माता रानी के लिए, या कोई वस्त्र रखे हैं, तो वो अर्पण कर सकते हैं, नहीं तो वस्त्र रूपी कलावा भी हम इन्हें पहना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमल गट्टे से एक एक करके श्री का उच्चारण करके माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए हम यहाँ पे अर्पण करेंगे। श्री लक्ष्मी सुत्तम का पाठ किया जाता है गज महालक्ष्मी जी का ध्यान करके। यहाँ पे मंत्रों का उच्चारण करते हैं लक्ष्मी माता का। तो यहाँ पे एक एक करके हम सारी चीज़ें अर्पण करते हैं लक्ष्मी माता के ऊपर। तो यहाँ पे श्री यंत्र का हम अभिषेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, लक्ष्मी माता गज के साथ है, तो आप तस्वीर पर भी कर सकते हैं। अगर श्री यंत्र है, तो यहाँ पर श्री यंत्र का भी अभिषेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं गज का भी अभिषेक करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अब पीली कोड़ी और गोमती चक्र को भी रखा। अब इसके बाद 16 मैं
फूलों की पंखड़ियाँ ले रखी है 16 गुलाब की, तो वहाँ पे एक एक करके फिर से हम उसी तरीके से हम अभिषेक करेंगे, तो एक एक करके हम अर्पण करते हैं। तो अभिषेक का मतलब एक एक करके अर्पण करना होता है, तो यहाँ पे मंत्रों का जाप करते रहिएगा और एक एक करके हम यहाँ पे अर्पण करते जाएंगे। और ये माता लक्ष्मी के पूजन में विशेष किया जाता है। इसी तरीके से आप दीपावली के दिन साथ में धनतेरस वाले दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा विधि इसी प्रकार से ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे मैं अपने घर में इसी तरह से करती हूँ, ये हमेशा लक्ष्मी माता की पूजा। साथ में अब मैंने धान लिया है, तो धान मैंने 16 गिन के पहले से एक कटोरी में रख लिए थे। अब यहाँ पर एक एक करके फिर से मैं 16 धानों को भी अर्पण कर रही हूँ श्री यंत्र के ऊपर। तो माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, गज महाराज जी का ध्यान करते हुए यहाँ पर हम ये सब चीज़ें अर्पण करते हैं। और हर चीज़ हमें जो भी लेने होती है सामग्री पूजा की, वो 16 कर्मों में लेनी होती है, तो 16 चीज़ों में हम यहाँ पे सब चीज़ रखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैं दूर्वा ले रही हूँ, तो 16 दूर्वा 16 धान हम गज की पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे विशेष पूजा गज की जाती है, तो गज की पूजा पे भी एक एक करके हम यहाँ पे 16 दूर्वा अर्पण करेंगे, 16 धान 16 फूल अर्पण करेंगे, 16 मिठाइयाँ। तो 16 मिठाई एक जैसी ले सकते हैं, 16 मिठाइयाँ आप अलग अलग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे श्री यंत्र का अभिषेक कर लिया है। अब मैं यहाँ पे गज की पूजा कर रही हूँ, तो फिर ये जो 16 धागों की गाँठें मैंने जो बनाई है ना, वो मैं गज को पहना के उसको फिर खुद भी धारण कर सकती हूँ, नहीं तो मैं मंदिर में भी रख दूँगी। तो देखिए यहाँ पे हमने अब वस्त्र रूपी कलावा पहनाया है। फिर ये जो मैंने 16 धागों की गाँठें ली है, अब हम इनका पूजा कर रहे हैं, तो इनकी पूजा के लिए भी हमने 16 धान अर्पण करते हैं इनको। और ये जो 16 धागों की गाँठें हैं मैं स्वयं नहीं पहनती हूँ, इसको मैं अपने मंदिर पूजा घर में ही रखती हूँ। 1.25 महीने तक रख सकते हैं आप, 1.25 साल तक रख सकते हैं, इससे माता रानी की विशेष कृपा आप पे बनी रहती है। तो यहाँ पे ये पूजा का नियम होता है कि इसको आप अपने हाथ में भी बांध सकते हैं, नहीं तो आप माता रानी के समीप भी रख सकते हैं 1.25 महीने 1.25 साल तक। आप देखिए यहाँ पर मैंने हर चीज़ों से अभिषेक किया। अब बारी आ गई है 16 मिठाइयों से। तो यहाँ पर मैंने काजू कतली की सफ़ेद रंग की मिठाई ली है, तो सफ़ेद रंग की मिठाई से हम अभिषेक करते हैं। तो 16 क्रम में मैंने ये मिठाइयाँ ले रखी है, जिनसे मैं एक एक करके यहाँ पे अभिषेक कर रही हूँ माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए। गज लक्ष्मी जी का ध्यान करके हमें ये पूजा विधि करनी होती है। और यहाँ पे देखिए विशेष जो बनाए जाते हैं 16 बेसन के सिंगार, तो सिंगारों में गले का हार पायल है, बिछुआ करधनी है, मांग टीका है, चूड़ियाँ है, अंगूठी है, तो इस तरीके से हम ये 16 क्रम में बनाते हैं। और सिंदूरदानी जिसे कहते हैं उसको ज़रूर बनाया जाता है, सिंदूर पेटी। तो इसके ऊपर मैंने एक सिंदूर पेटी भी बनाई है, जिस पे मैं सिंदूर रख के माता रानी को अर्पण करूँगी। तो यहाँ पे पहले हमने ये सब चीज़ें अर्पण कर लिया, अब ये सिंदूरदानी है मेरे पास, जिस पे मैं सिंदूरदानी जो 16 सिंगार लिए उनको रखूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ सिंदूर भी अर्पण कर रही हूँ माता लक्ष्मी जी को। तो ये माता रानी की विशेष पूजा होती है, जिसमें हमें ये 16 सिंगार अर्पण करना होता है, और 16 सिंगार माता रानी को पहना के इसको स्वयं खुद धारण करेगा। आप ये किसी को दान पुण्य नहीं कर सकते, इसको खुद ही आप अपने प्रयोग में लाइएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने माता रानी का 16 सिंगार किया, जितना संभव हो सका मैंने वो सारी चीज़ें माता रानी को अर्पण करी है। महावर भी माता रानी के पैरों पे लगा दूंगी, सिंदूर लगाया मैंने, बिंदी लगाई है, चूड़ियाँ मैंने इनको दिखाया, साथ में लिपस्टिक बिंदी, जो भी आप इनका सिंगार करना चाहते हैं वो ज़रूर उनको करके ये प्रसाद के रूप में 16 सिंगार जो भी आपने अर्पण किया ना, वो स्वयं लीजिएगा, स्वयं खुद ही इसका प्रयोग करिएगा। तो यहाँ पर मैं अपने घर में इसी तरीके से ये पूजा करती हूँ। जो भी वस्त्र और हमने चुनरी ली है माता रानी को अर्पण कर देंगे, तो ये हम माता रानी को पहना भी सकते हैं, नहीं तो आप ये किसी को दे सकते हैं कन्या को चुन्नी ओढ़ने के लिए। तो इस तरीके से 16 सिंगार अर्पण किया, 16 मैंने बेसन के सिंगार बनाए थे, ये सारी चीज़ें अर्पण की। अब पारी आ जाती है हवन करने की, तो इस पूजा में माता लक्ष्मी जी का हवन जरूर किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने गाय के गोबर पे कपूर जलाया, तो ये मैंने जो उपले बना रखे हैं, छोटे से दिया बना रखे हैं, ये मैंने घर पर खुद बनाए हैं, जो मैं हवन करने में प्रयोग में लाती हूँ। यहाँ पर हवन सामग्री है, जिसमें मैंने घी डाल लिया। तो यहाँ पर एक एक करके आहुति डालेंगे, पहले गौरी गणेश जी के नाम की, फिर हम गज महाराज जी की, लक्ष्मी माता के, अपने पितरों का ध्यान करके यहाँ पे हम एक एक करके हवन करते हैं, सामग्री डालते हैं इसमें। हवन करने से पहले मैं इसमें गूगल और लुबान भी डाल दूंगी। तो ये हवन सामग्री में डाला जाता है गूगल और लुबान, ये पूजा पाठ की दुकान पे आसानी से मिल जाता है, तो ये गूगल लुबान डाल के ही हवन किया जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर माता लक्ष्मी जी का ध्यान करके एक एक करके ये 16 बारी अर्पण करते हैं अग्नि में। यहाँ पे हम माता लक्ष्मी की कथा करते हैं। माता लक्ष्मी की कथा करने के बाद हम यहाँ पे माला का जाप करते हैं। तो माला जाप मैं रोज़ करती हूँ, आज विशेष दिन है, तो माता लक्ष्मी जी का हम जब भी माला का जाप करते हैं ना, तो या तो आप कमलगट्टे की माला से कर सकते हैं, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, नहीं तो आप ये स्फटिक की माला आती है उससे भी कर सकते हैं। तो इन तीन मालाओं से माता रानी की जाप कर सकते हैं।
जाप करने के बाद यहाँ पे मैंने 16 दीपक आटे के बनाए हैं जिससे हम करेंगे आरती। तो ये 16 दीपक बनाए हैं, तो मैंने आपको बताया कि हर चीज़ 16 क्रम में लिया जाता। तो यहाँ पे अब पूजा के आखिर में हम करते हैं माता रानी की आरती। भोग प्रसाद देने के बाद यहाँ पे आरती करेंगे और सब परिवार मिलके ये आरती करते हैं। और इस पूजा में मुझे पूरे 2 घंटे लग गए हैं बैठ के। तो यहाँ पे जाप करने में, हवन करने में, सारी विधि करने में 2 घंटे पूरे लगे हैं। तो यहाँ पे ये देर शाम को मैंने ये पूजा विधि करी और ये सारे दीपक अब मैं घर में सभी कोनों में रखूंगी। तो यहाँ पे तुलसा जी, विष्णु भगवान जी घर की चौखट पे और किचन में सारी जगह मैंने ये दीपक जला दिए। और 16 दीपक दिवाली पे जैसे हम जलाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से मैंने ये दीपक जलाए हैं। फ्रेंड्स, आपको ये मेरे पूजा पाठ का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना ज़रूर। मैं यहाँ पे बहुत सरल तरीके से अपने घर में ये पूजा पाठ के नियम करती रहती हूँ और आप सभी के साथ अपने वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते तो इनको लाइक करना मत भूलना, चैनल को भी दोस्तों सपोर्ट करते रहिएगा। आप सभी से मिलती हूँ मैं जल्दी से एक और नए वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।